सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रोली हादसे में मृतकों के परिजनों को राज्य मंत्री ने सौंपे 4-4 लाख रुपए के चेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर के गांव गोंदकी में ट्रैक्टर ट्रोली हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पूरा गाँव अभी भी शोक में डूबा हुआ है। इस दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया था। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 4-4 लाख रुपए की धनराशि तत्काल देने की घोषणा की थी। कल गुरुवार के दिन गांव गोंदकी में 10 शवों का अंतिम संस्कार कराया गया, जहां मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरा गांव इस दुखद घटना से शोक में डूबा हुआ है। कल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने गांव गोंदकी पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और वहीं मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 4-4 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हर नागरिक के सुख दुख में उनके साथ खड़ी है। राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह के साथ डीएम डॉक्टर दिनेश चंद, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, एनडीएम प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस दुखद घटना पर गहरा दुख प्रकट किया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि ट्रैक्टर ट्रोली डमोला नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसमें 10 लोगों की मौत की खबर अति दुखद है। गौरतलब है कि कंदूरी में चाप लेकर जा रहे महिला पुरुषों से भरी ट्रैक्टर ट्रोली के डमोला नदी में गिरने से हुए हादसे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे गांव में कोहराम मच गया। तीसरे दिन भी गांव में चूल्हे नहीं जले। गांव में एक ही परिवार चाचा ताऊ के 6 लोग और एक परिवार की दादी पोती और एक परिवार में एक बेटी की मौत के सदमे में पूरा गाँव मातम मना रहा है। ट्रोली में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 45 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 45 लोगों में से करीब 35 लोगों के आसपास के गांव के लोगों ने पहुंचकर सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल अभी भी उस हादसे की चीख पुकार लोगों के कानों में गूंज रही है। अभी के लिए बस इतना ही, एक बार फिर लौटेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।